सदैव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीण सरकार से निराश हैं। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली जाकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इन लोगों ने राहुल गांधी को 2015 में किया गया वादा याद दिलाया। खनन परियोजनाओं से जंगल और गांव बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीण सरकार से निराश है। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली जाकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इन लोगों ने राहुल गांधी को 2015 में किया गया उनका वादा याद दिलाया है। ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों से पीछे हट गई। उसने जंगलों में खनन का वही रास्ता चुना है जो पिछली सरकार ने बनाया था। हसदेव के आदिवासी अपने जंगल जमीन बचाने एक दशक से आंदोलनरत है। 300 किलोमीटर पदयात्रा की मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद भी पलसा की वन स्वीकृति दे दी गई, अपने आप में दुखद है। अभी ये कहा जा रहा है कि हमने कोई वन स्वीकृति नहीं दी, ये पूर्णतः गलत तथ्य है। बिना राज्य सरकार की सहमति के संभव नहीं था। जो ICFRA की रिपोर्ट आई है जिसमें 4 कोल ब्लॉक की सहमति जिसको क्लियर करने का रास्ता बनाया गया है उस पर राज्य सरकार ने सहमति दी है। यदि आपत्ति की होती तो ये वन स्वीकृति जारी नहीं होती। कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर लगातार दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। चाहे हसदेव अरण्य का क्षेत्र हो या फिर दूसरा क्षेत्र हो, हमारी सरकार की प्राथमिकता में उत्खनन नहीं है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में उस क्षेत्र के नैसर्गिक सुंदरता को, उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी भाइयों को, उस क्षेत्र के रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना। इसीलिए जब हसदेव अरण्य के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे तो भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसा वहाँ के आदिवासी चाहते हैं उसी प्रकार सरकार निर्णय लेगी। अब किसी मसले पर कांग्रेस सरकार घिरती दिखे तो भला बीजेपी कहाँ चुप बैठने वाली है। उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सरगुजा आए थे और उन्होंने वहाँ की बड़ी सभा में कहा था वहाँ पर 1 किलो भी कोयला नहीं खोदा जाएगा, अगर वो होगा तो मैं स्वयं आकर इसके लिए आंदोलन करूँगा। और आज कांग्रेस सरकार हसदेव अरण्य के मामले को लेकर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर रही है। ये राहुल गांधी जी, इनके जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका भी अपमान है और साथ में छत्तीसगढ़ के वनवासी आदिवासियों का भी अपमान है। बहरहाल इस मसले पर सियासत लगातार जारी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीण पहले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके रायपुर आए और गवर्नर के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और अब राहुल गांधी से मिलकर लौटे गए, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। टीम न्यूज़ स्टेट।